देखिए एल्केम लैब्स 6% नीचे है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की तरफ से सफाई आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही थी कि कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया जा रहा था। मामला करीब 1000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन इस पर अब कंपनी की सफाई आई है। आईटी डिपार्टमेंट का जो भी सवाल थे उसका जवाब दे दिया है कंपनी ने। टैक्स चोरी की खबरों का खंडन किया है, और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर ये जो मामला था, जो भी वो काफ़ी पुराना मामला था, और जो भी क्वेरीज आई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसका कंपनी ने जवाब भी दे दिया है। जब ये खबर आई थी एल्केम लैब्स में हमने भारी गिरावट देखी थी, लेकिन अब ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद, जो कि मार्केट आज के दौरान ही आ चुका है, कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी हो चुका है कि ये जो भी खबरें चल रही हैं बाजार में ये बेबुनियाद हैं, और इस खबरों का खंडन किया है। और जैसे ये क्लैरिफिकेशन आया, खुद मैनेजमेंट ये बोल रहा है, हम देख रहे हैं कि स्टॉक में शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी 6% नीचे है ये शेयर। कपिल जी, एल्केम लैब्स खबरों के चलते आज थोड़ा वॉलेटाइल है ये स्टॉक्स। पहले बुरी खबर आई, उस पर भी रिएक्शन दिया, और अब एक रिकवरी भी आ रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका? ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे स्टॉक पर? जिस तरह मेरा ऑब्जर्वेशन रहा हुआ है और ऐसे सारे इवेंट्स के जो इम्प्लीकेशंस रहे हुए हैं, मीन्स लेट्स से कि हम कुछ दिन पहले का ही एक ऐसा इवेंट याद करते हैं पॉलीकैब का, तो एक दो दिन की हमें भारी भरकम गिरावट देखने मिली थी। स्टॉक प्राइस ने कहा ना स्टेबल किया हुआ था, और आज के तारीख में 60 से 70% ऑफ द पेन, जो वो 2 दिन का पेन था, वो पॉलीकैब में रिकवर हो चुका था। तो ऐसे जब भी कुछ नीचे रिएक्शंस आते हैं, कहा ना कहाँ पे स्टॉक्स अपने एक बॉटम्स बना लेते हैं। हालांकि अल्केम का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी बढ़िया ही था, फार्मा सेक्टर्स भी अभी के दिनों में काफी अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमें रिएक्शन देखने मिला हुआ था आज भी, वो स्टॉक वो लो भी 100 मूविंग एवरेज के लेवल के यहाँ पे सेटल होके वहां से हमें अच्छी एक रिकवरी देखने मिल रही है। तो मेरा मानना है कि 2-3 दिन तक स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा जिगजैग्स मोमेंटम रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्टॉप लॉस लेके, लेट्स से कि 5 से 6% का स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बॉटम के फॉर्मेशन हमें प्री वेचुअली कह सकते हैं कि बनते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट्स के इम्प्लीकेशन कुछ हमें इस तरीके से देखने मिलते हैं। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी स्टॉक की अच्छी है, बाय कर सकते हैं, और ऊपर में 5,450 से लेके 5,500 जो इसके प्रीवियस पीक थे, तो वहां तक की हमें इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में, इमीडिएटली नहीं लेकिन आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकती है। एल्केम लैब्स पर नजरिया का